हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 44 पोर्टल पे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, जिनके भी साथ आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। गाइड करें यूनिवर्स। टू ऑफ कप्स, फ्रेंडलीनेस। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ द लवर्स। वाह। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी। मोर टू कार्ड्स एंजल्स, अंडरस्टैंडिंग एंड सक्सेस। बॉटम ऑफ द डेक इज पार्टिसिपेशन, नंबर 4। 44 पोर्टल पे एनर्जी में नंबर 4 ही आया है, ठीक है। आपके पर्सन की देखिए करंट फीलिंग्स में एक चीज तो क्लियरली नजर आ रही है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन को फील करते हैं। जब जब बात प्यार की आती है, जब जब लाइफ में किसी को सोचने की बारी आती है, तो ये आपको ही इमेजिन करते हैं। और यहां पर ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन को आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है, वरना यहां पर टू ऑफ कप्स और द लवर्स आने का कोई मतलब नहीं था। बट ये आपके पर्सन की एनर्जी है जो ये बता रही है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। यहां पर ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन हर तरीके से आपके साथ इस रिश्ते में रियूनियन चाहते हैं, अच्छी दोस्ती, जहां तक भी इस रिश्ते को ये ले जा सकते हैं ये वहां तक का सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर। इवन यहां पर ये दिख रहा है क्रिएटिविटी, इस रिलेशनशिप में कुछ क्रिएटिव होकर, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशंस को छोड़कर, पुरानी माइंडसेट को रिलीज करके ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, मैच्योर होना चाहते हैं पहले से ज्यादा, और ये समझना चाहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, ये इस रिश्ते में और क्या चीजें पॉसिबल है और क्या किया जा सकता है। ये एनर्जी है, डेफिनेटली आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। नो मोर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, हर तरीके से जीत मिले, हर तरीके से ये रिश्ता मुकम्मल हो, अपने लेवल पर इस रिश्ते में पार्टिसिपेशन चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आपने ही किया है और इन्होंने कुछ नहीं किया इस रिश्ते के लिए। इनकी एनर्जी उस तरीके की कभी रही नहीं जैसी आपकी इनको लेकर रही है, तो इस रिश्ते में अपने बराबर का पार्टिसिपेशन, भागीदारी के बारे में भी ये सोच रहे हैं। इस समय किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ज्यादा ट्रैप्ड है, बहुत ज्यादा सफरिंग में है, सप्रेस कर रहे हैं इमोशंस को, लेकिन ये इनके हर्मिट की स्टेज है। उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना ये कर सकते हैं, इनके अंदर जो भी कमियां रही हैं ये उनको दूर करेंगे और उसके बाद ही आपको रीच आउट कर पाएंगे, जब डिवाइन चाहेंगे तब। लेकिन काफी हद तक ये हील हो गए हैं और आपको अपनी लाइफ में एज अ पार्टनर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। ये रिसेप्टिविटी की एनर्जी में है, पूरी तरीके से जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, एक्सेप्टेंस में आ गए हैं, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।